करते हैं मथुरा के ऐसे बाबा की जिसकी हर तरफ चर्चा है, और चर्चा इसलिए क्योंकि उसकी तुलना बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री से हो रही है। क्यों, इस स्पेशल रिपोर्ट में देखिए। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री को तो दुनिया जानती है। क्या नाम है? जो पर्ची निकालते हैं और लोगों के दुख दर्द दूर करने का दावा करते हैं। अच्छा, हमें फिर ये भी पता लग रहा है कि आप कोई पर्ची लेकर के आई हैं घर से लिखकर। तो तुम्हारी पर्ची हमारे लोग को लगे। उनका भव्य दरबार सजता है और लाखों लोग आते हैं, लेकिन अब आपको ऐसे ही एक और बाबा से मिलवाते हैं जो भी धीरेन्द्र शास्त्री की ही तरह पर्ची बनाते हैं। हाथ में कागज लिए लोगों के दुख दर्द दूर करने का दावा करने वाले ये हैं अवधेश शास्त्री, और इनका दरबार बागेश्वर में नहीं बल्कि मथुरा के गोवर्धन में सजता है। हनुमान जी पर आस्था व विश्वास रखें, अपने माता पिता। और ये आसपास के इलाकों में काफी चर्चा में है। अवधेश शास्त्री भी पर्चियों पर लोगों की समस्या का पता और निवारण लिखते हैं। धन लाभ होना प्रारंभ हो जाएगा, बीमारी समाप्त। बाबा का दावा है कि उनके धाम पर देश के दूर दराज इलाकों से लोग आते हैं। मैं सुनता हूँ जैसे कि बोलते हैं कहाँ से आए, तो पंजाब से आया, मैं करनाल से आया, मैं हरियाणा से आया, मैं दिल्ली से आया, मैं उड़ीसा से हूँ, मैं कर्नाटक से हूँ, मैं कन्याकुमारी से हूँ, बंगाल से हूँ। मतलब हर देश का व्यक्ति जो परेशान है, यहाँ हर एक प्रकार के लोग आते हैं। बीमार आते हैं, साइकोलॉजिकल बीमार आते हैं, भूत प्रेत के बीमार आते हैं, असली भूत भी आते हैं, नकली भूत भी आते हैं। और जिनको परेशानी है, फैक्ट्री नहीं चल रही, दुकान नहीं चल रही है, खाने का सामान नहीं चल रहा है, घर में संतान नहीं हो रही है। अवधेश शास्त्री का ये दरबार धीरेन्द्र शास्त्री की तरह बड़ा और भव्य तो नहीं, लेकिन यहाँ भी लोगों की भीड़ रहती है। बाबा दावा करते हैं कि बागेश्वर धाम से कहीं असली उनका धाम है। ये धीरेन्द्र शास्त्री दरबार लगाते हैं, मैंने उनका दरबार सुना है, देखा है, अंतर कोई नहीं है। जो धीरेन्द्र शास्त्री करते हैं वही हम करते हैं। धीरेन्द्र शास्त्री का मंत्र हमें नहीं पता, वो क्या लिखते हैं? हनुमान जी का लिखते हैं, देवी का लिखते हैं, हम हनुमान जी का भी लिखते हैं, देवी का भी लिखते हैं। धीरेन्द्र शास्त्री अपने सन्यासी बाबा की परिक्रमा बताते हैं, हम गिरिराज जी की परिक्रमा बताते हैं। अंतर इतना है कि वो आर्टिफिशियल धाम है, वो बनाया हुआ है, रात रात में बनाया हुआ धाम है। हमारा धाम बनाया हुआ नहीं है, हमारा धाम ओरिजिनल है। अवधेश शास्त्री को पर्ची वाले बाबा के नाम से जाना जाता है, और ये पर्ची पर मंत्र भी लिख कर लोगों को देते हैं, जिसके बाद दावा किया जाता है कि सारी मुश्किलें दूर हो जाएंगी। दावा है कि बालाजी की कृपा से जो आदेशित होता है वो लिख दिया जाता है। कृपा होगी, आज से ही बालाजी आप पर कृपा करेंगे, धैर्य व आपका मन पुष्ट होगा, भगवान में भजन लगेगा, आपका परिवार अच्छा। आप 25 पैसा की चनौरी ले आओ, हनुमान जी को चढ़ाओ, हम तो पैसा लेते ही नहीं है। आपको एक मंत्र दे देंगे, वो मंत्र का जाप कर लेना, गिरिराज जी की परिक्रमा कर लेना रिक्शा में बैठ करके, और आपका कल्याण हो जाएगा। अगर कल्याण हो तो चमत्कार मान लेना, कल्याण ना हो तो कोई बात नहीं। ये दावा जरूर करते हैं कि हाँ, जितना समझ में आएगा उतना ठोक के लिखेंगे, एक बार नहीं 10 बार लिखेंगे, चाहे वो धरती का कोने का कोई भी आदमी हो। और हमें अगर कोई चैलेंज करता है तो वो चैलेंज सीधे बालाजी की शक्तियों को कर रहा है, मुझे कोई चैलेंज नहीं कर पाएगा, मैं तो दास हूँ। मथुरा के गोवर्धन में रहने वाले अवधेश शास्त्री अवध सरकार से जुड़े हुए हैं और मध्य प्रदेश के पंडोखर सरकार के शिष्य बताए जाते हैं, और भले ही लोग उनको बागेश्वर बाबा के नाम से जोड़ लेते हैं, लेकिन इनके दरबार में भी लोगों की कोई कमी नहीं है और इनकी भी दुकान लगातार चलती रहती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जी न्यूज़।